वो भी छुट्टियां मनाने आए थे, राखी पे आए थे, हम भी आए थे, मैं शाम को आई थी, सुबह जाने वाली थी, तो मैं तो तैयार हो रहा था जाने के लिए, मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, बोले हम मेला देख आएंगे दीदी, वो सुबह श्याम बाबा के जाके सुबह तक आ जाएंगे। मैंने कहा राखी तेरे फिर अभी बांध देती हूँ मैं, कि नहीं सुबह ही बांध देना, सबके साथ ही बांध देना, सुबह छुट्टी आ जाऊँगा। और वो तो बस रहते नहीं थे इसलिए कि राखी त्यौहार भी था और घूमने के लिए चले गए, सभी जाते हैं, और फिर ये हो गई बहुत ही दर्दनाक घटना जहाँ राखी का प्रभु। लेकिन ये जो घटना हुई कुचामन की, इस घटना ने हम सबको ये सोचने में मजबूर कर दिया कि हमें राजनीतिक शासन नैतिक धर्म निभाते हुए हम सबको एक मंच पर आकर और ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, और ऐसे व्यक्ति जो है निश्चित रूप से इनको इतना बड़ा दंड मिले, एक समाज के अंदर एक नई नजीर शासन की तरफ से पेश हो। क्योंकि आज राजस्थान के अंदर ये सही बात है कि अशोक गहलोत जी का जो कार्यकाल है, अशोक गहलोत जी अपनी सरकार बचाने में बिजी रहे, और उसके नीचे जो भी नेता लोग हैं कांग्रेस के, मैं सीधा आरोप लगाऊंगा, इन लोगों ने इतना तांडव यहाँ प्रदेश के अंदर मचा रखा है, और विशेषकर ये जो नया जो भीड़वाना कुचामन जिला बना, इसकी जो विधानसभा है इसके अंदर निश्चित रूप से हालात ठीक नहीं, कानून व्यवस्था के, और दलितों में जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं, और हमें पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी कोर कमेटी की जो भी मांग होगी और इस परिवार को हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम न्याय दिला पाएंगे, ये हम सब लोग मिलकर प्रयास। एक चीज़ देखने में आई है, जितने भी मतलब हत्याकांड होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं अदर स्टेट से तार जुड़े हुए मिलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदेश का प्रशासन और जो शासन है वो अदर स्टेट के जो हत्यारे हैं उन स्टेटों में अगर उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है और वो राजस्थान के अंदर शरण में। देखिए ये बात तो पुलिस की जांचों के बाद ही हो पाएगी, लेकिन स्थिति बड़ी गंभीर है, जो प्रदेश 23वें पायदान पर कभी था अपराध, आज वो पहले पायदान पर पहुँच गए, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय, हमने विधानसभा के अंदर भी और सड़क से लेकर सदन तक हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी लोकसभा तक की आवाज़ उठा चुके हैं, हमारे प्रयास है कि सर्व समाज के लोग जो हैं वो कम से कम स्वस्थ रूप से विचरण तो यहाँ प्रदेश के अंदर कर सकें। हम सरकार से मांग भी करेंगे, जो भी कोर कमेटी का फैसला होगा उसके अंदर में पूरा प्रयास करेंगे इस परिवार को शत प्रतिशत न्याय मिले। परिवार क्या मांगे? देखिए परिवार का मैंने अभी मांग पत्र देखा, इन्होंने CBI जांच की और 1 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति की मांग की है, और भी इनकी जो भी मांगे हैं जायज मांगे, कोई सरकार सत्ता नहीं मांग रहे, ये परिवार कतई नहीं कह रहा है हमें मुख्यमंत्री बनाओ या SP कलेक्टर बनाओ, बिल्कुल वाजिब मांगे हैं। और यदि सरकार में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता हो अशोक गहलोत जी में, जो हमेशा अनुसूचित जाति के इनके कल्याण की बात भी करते हैं, संवेदनशीलता की बातें करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से जो अशोक गहलोत जी की संवेदनशीलता कहीं ना कहीं चली गई, वरना ऐसे मामले में तुरंत अभी धरने में बैठने की आवश्यकता ही नहीं होनी होती होगी, होनी चाहिए, या प्रशासन के बड़े अधिकारियों को भेजें। हमारे इलाके में जब भी ऐसे मामले हुए हमने तुरंत संज्ञान में भी मामले लिए और न्याय भी उस परिवार को दिलाया, कहीं ना कहीं हो सकता है सत्ता में बैठे लोगों का भी इसके अंदर हाथ से इनकार नहीं कर सकते। हमारा बिना कोई राजनीतिक नफा नुकसान की बात की, हम तो इतनी मांग सरकार से करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस परिवार को न्याय दें, जो भी इनकी वाजिब मांगे सारी की सारी पूरी करें, जल्दी से जल्दी इनको न्याय दें, और परिवार के सदस्य भी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप दोनों छोटे भाई और बिल्कुल यहाँ देखो कि ना किसी से इतना रंजिश या लड़ाई, हर एक से बहुत अजीब से बात करना, मिलना उठना, क्या उनकी गलती यही थी कि वो मेले में थे, या उनकी गलती ये थी कि वो रात को वहाँ से निकले? हम बस यही चाहते हैं दोनों भाइयों छोटे भाइयों को न्याय मिले, और जो भी हमारी मांगे हैं उन्हें की जाए, ताकि हम तेरे दिन से सम्मान से दोनों भाइयों का अनुभव करते हैं। चार दिन हो गए हैं, पूरा परिवार यहाँ है, घर पे वो भी आते हैं, क्या इन परिवारों के छोटे भाई बहन नहीं हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, वो भी अपने पिताओं को, भाइयों को, चाचाओं को, सबको घर पर इंतज़ार कर रहे हैं कि आज रात को वो वहाँ आए, लेकिन प्रशासन हमारी मांगे नहीं मान रहे हैं, ना उनको दोषियों को सजा दे रहे हैं, ना पकड़ रहे हैं। तो अब आज हमें यहाँ हमें आना पड़ा, ये हमें खुद को हमें भी अच्छा नहीं लगा कि इतने हमारे परिवार वालों के होते हुए भी हमें उन लोगों को यहाँ आना पड़ा। बस हम यही चाहते हैं कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो अच्छा नहीं है, जहाँ तक सहमत हो हमारे परिवार इनकी बातों से ही हो जाना चाहिए। क्या जब मेले में गए थे वापस आने से पहले, या कब, क्या लास्ट बात कब हुई परिवार की?
अभी तक तो सिर्फ ये उनकी बहन है बच्चा राखी पे आए थे, वो भी बाहर रहते थे, मार्बल का काम करते थे, वो भी छुट्टियां मनाने आए थे, राखी पे आए थे, हम भी आए थे, शाम को आई थी, सुबह जाने वाली थी, तो मैं तो तैयार हो रहा था जाने के लिए, मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, बोले हम मेला देख आएंगे दीदी, वो सुबह श्याम बाबा के जाके सुबह तक आ जाएंगे। मैंने कहा राखी तेरे फिर अभी बांध देती हूँ मैं, कि नहीं सुबह ही बांध देना, सबके साथ ही बांध देना, सुबह छुट्टी आ जाऊँगा। और वो तो बस रहते नहीं थे इसलिए कि राखी त्यौहार भी था और घूमने के लिए चले गए, सभी जाते हैं, और फिर छुट्टी ये हो गई। बहुत ही दर्दनाक घटना जहाँ राखी का प्रभु था, बहन भाई का इंतजार कर रही थी कि मुझे भाई आएगा और राखी बांधेगा, और क्या पता कि इस प्रकार इंसान इंसान के ऊपर काल बनकर टूटेगा और भाई को घर की बजाय जो है मौत के घाट उतार देगा। बहुत ही दर्दनाक हादसा है और इस प्रकार की बातें जब सुनते हैं तो रोएं कांप उठती हैं कि आखिर घर छोड़ के कहीं निकलते हैं तो वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। ये सभी हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और घर से बाहर हर व्यक्ति को जाना पड़ता है। प्रदेश में ये जो अपराध है ये जितना बढ़ रहा है उतना सबके लिए घातक है, इसलिए हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। और अपराधी का कोई घर नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई पांत नहीं होती, हमें इस जात पांत से ऊपर उठ के जब हम अपराध के खिलाफ लड़ेंगे तभी अपराधियों को शरण मिलना बंद होगी और प्रदेश के अंदर शांति कायम होगी। आपको वजह फिर आ जाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।